यो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। तो गाइस यार वापस आ चुका मैं माइनक्राफ्ट के कोई खतरनाक गेम प्ले के साथ। आज का गेम प्ले यार बहुत ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि आज हम लोग माइनक्राफ्ट में जाने वाले हैं टेक्नो गेमर्स के कास्टल पे। खैर गाइस अभी ना टेक्नो गेमर्स का कास्टल का जो सीक्रेट मैप है ना वो मुझे मिल चुका है, जो खैर बहुत ही मुश्किल में मिला है। खैर अभी गाइस देखो यहाँ पे ये जो सीक्रेट जगह है ना मैप में तो मुझे मिल चुका है, लेकिन इस जगह को ढूंढना यार इतना भी ज़्यादा ईजी नहीं है। खैर गाइस जो भी हो मैप में भी आपको दिख रहा होगा यार यहाँ पे ना साइड साइड में वाल लगा हुआ है, आपको पता होगा यार मतलब यार टेक्नो गेमर्स ने पूरी तरह से कवर कर दिया है। साथ ही यार राइट साइड में विलेजर्स के लिए हाउस है, नीचे के साइड है सुगर केन फार्म, आयरन फार्म। खैर जो भी होगा गाइस हमें ना उस जगह पर जा करके ढूंढना पड़ेगा किसी भी हाल में अपने कास्टल को, मतलब यार टेक्नो के कास्टल को। तो अभी ना गाइस मैं हूँ इस जगह पर अपने मॉडर्न हाउस पर। खैर अभी ना गाइस हम लोग चलने वाले हैं सीधा अपने हॉर्स पर बैठ करके। मेरे पास अभी हॉर्स है और कुछ बहुत टूल है और मैं बस एक छोटा सा मैप है उस कास्टल का। तो गाइस मैप को चलो मुझे उस कास्टल को ढूंढना पड़ेगा। खैर इतना भी ज़्यादा इजी नहीं है, लेकिन गाइस आज हम लोग जाकर ही रहेंगे टेक्नो गेमर्स के कास्टल पर और भाई उस जगह पर जाकर हम पूरी तरह से एक्सप्लोर करेंगे। वीडियो में तो हम लोगों ने बहुत देखा, लेकिन आज मैं आपको दिखाऊंगा सब कुछ यार वहाँ पे क्या क्या है। तो यार चलिए एक्सप्लोर करते हैं। खैर अभी ना गाइस मैं अपने घोड़े को दौड़ाते सीधा चलने वाला हूँ कास्टल की तरफ और मैं मैप जैसे जैसे मुझे ले जा रहा है ना उसी हिसाब से मुझे जाना पड़ेगा। और भाई साहब यहाँ पे तो यार बहुत ही खतरनाक जगह है, मतलब यहाँ से नीचे जाना तो यार मुश्किल लग रहा है मुझे। खैर गाइस जो भी होगा ना अपना जो हॉर्स है ना उसका हेल्थ तो काफ़ी ज़्यादा है, तो यार अगर गिर भी गया ना तो यार कुछ होने वाला नहीं है। खैर यहाँ पे जो भी होगा दौड़ाते हैं अपने हॉर्स को। तो यार अभी ना मैं नीचे की तरफ तो आ गया और भाई अभी ना मुझे और भी जाना पड़ेगा आगे। ओके तो गाइस अभी ना मैं अपने घोड़े को दौड़ाते दौड़ाते पूरे यार 2-3 दिनों के अंदर, मतलब यार माइनक्राफ्ट के 2-3 दिन और भाई फाइनली मैं पहुंच चुका हूँ टेक्नो के कैस्टल पे। और भाई सामने आपको नज़र आ रहा होगा सुगर केन फार्म, और भाई ये पता होगा यार बहुत ज़्यादा बड़ा सुगर केन फार्म है, मतलब यार बहुत ज़्यादा सुगर केन देता है। खैर अभी गाइस मैं इंटरेस्ट पे हूँ और भाई ये क्या पानी आने लगा, मतलब यार अभी ना वेदर चेंज हो गया पूरी तरह से। तो अभी गाइस मुझे ना फटाफट से जा करके सोना पड़ेगा वरना यार यहाँ पे ना ज़ॉम्बीज वगैरह बहुत ज़्यादा आते हैं। खैर यहाँ पे ना आयरन गोलम तो यार बहुत ज़्यादा बना रखा है टेक्नो ने, यार कोई दिक्कत की बात नहीं है, आयरन गोलम यार फाइट करेगा ज़ॉम्बीज से। खैर जो भी होगा अभी हम लोग फटाफट से जा करके सो जाते हैं, सुबह हम लोग उठेंगे और भाई देखेंगे पूरी तरह से कास्टल कैसा लगता है सामने से देखेंगे। ओके तो गाइस मैं अभी ना अंदर आ चुका हूँ और भाई साहब क्या लग रहा है भाई, यार पूरी तरह से ना महल लग रहा है भाई ये कास्टल तो। और अभी ना गाइस यहाँ पे अंदर ना बहुत ही खतरनाक डेकोरेशन है और भाई डेकोर क्या कर रखा है भाई। ओके तो यहाँ पे ना गाइस अंदर कुछ इस तरह से सीन है, फटाफट से हम लोग आराम करते हैं। ओके तो गाइस अभी ना सुबह हो चुका है और भाई अभी ना मैं ऊपर की तरफ यार ये पता नहीं क्या लगाने वाला यहाँ पे टेक्नो। खैर यहाँ पे जो भी होगा अभी ना आयरन गोलम एक अंदर भी है, मतलब अंदर ना साथ से जम्बीज वगैरह स्पॉन होते हैं, इसलिए एक आयरन गोलम अंदर छोड़ दिया है। खैर गाइस अभी ना अंदर की तरफ तो यार कुछ इस तरह से डेकोरेशन है और भाई यहाँ पे सामान वगैरह रखा हुआ है। खैर जो भी होगा अभी हम लोग बाहर चलते हैं और भाई अभी ना क्या लग रहा है कास्टल वैसे तो, मुझे ना भाई बाहर जाकर देखना है कि यार बाहर से कास्टल कैसा लगता है और भाई हर एक चीज़ मुझे चेक करना है कैसे बनाया है। यार यहाँ पे ना गाइस ऊपर की तरफ यार बहुत शानदार लग रहा है और भाई वाल यार पूरी तरह से कंप्लीट भी कर लिया है भाई, बहुत सही। तो यार वाल ना मतलब यहाँ पे बहुत ही ऊंचा है और भाई वाल के अंदर भी लगता है ना मुझे आयरन गोलम रखा हुआ है, क्योंकि यार वहाँ पे ना बहुत ज़्यादा जम्बीज वगैरह आते हैं ना, तो इसलिए आयरन गोलम यार भर के रखा है। यार यहाँ पे ये क्या है, तो यहाँ पे मुझे नहीं जाना है भाई, गिर जाऊँगा नीचे तो भाई अपना जाना हड्डी वगैरह टूट जाएगा। खैर यहाँ पे हम लोग यार पीछे की तरफ चलते हैं, तो यहाँ से ना गाइस ये क्या होगा, तो यहाँ पे नेदर पोर्टल है, साथ से ना इधर एक एक्सपी फार्म था मेरे ख्याल से, खैर वो तोड़ दिया साथ से। तो ओके तो यहाँ पे ना गाइस डिज़ाइन यार बहुत ज़्यादा ओपी है, खैर यहाँ पे हर जगह पानी ही पानी है। तो अभी ना गाइस हम लोग जा करके सुगर केन को चेक करेंगे और अभी ना और भी बाहर से जाकर देखेंगे अपना जो मतलब यार टेक्नो का ये जो कास्टल है ना कैसा लगता है। खैर ये तो कास्टल यार बहुत ज़्यादा खतरनाक है और भाई यहाँ पे ना डिज़ाइन भाई क्या लग रहा है। खैर यहाँ पे ना सामने की तरफ यार क्या मस्त नज़ारा है। ओके तो यहाँ पे क्या है, ओके तो यहाँ पे ओ भाई यहाँ पे इस सामने है विलेजर्स के लिए हाउस, तो यहाँ पे हम लोग जा करके देखते हैं क्या है भाई। ओके भाई इतने सारे आयरन गोलम है, मतलब यार ज़ॉम्बीज वगैरह लगते हैं ना बहुत ज़्यादा आता है, इसलिए बहुत ज़्यादा यहाँ पे आयरन गोलम है। और यहाँ पे विलेजर्स वगैरह अपने काम करें, खैर इन्हें डिस्टर्ब नहीं करते हैं। और भाई अगर ना आयरन गोलम देख लिया मुझे तो भाई वो भी मार सकते हैं साथ से, पता नहीं यार कुछ करेगा भी या नहीं। खैर यहाँ पे हम लोग यार नीचे की तरफ चलते हैं और मुझे ना आयरन फार्म को चेक करना पड़ेगा और शुगर केन को, क्योंकि यार वो जो ना मुझे भी बनाना है अपने वन ब्लॉक वाले वर्ल्ड में। खैर यहाँ पे हम लोग चलते हैं
नीचे की तरफ, तो भाई भाई गिर गया मैं तो। वो कहते यहाँ पे ना गाइस बहुत ही खतरनाक लग रहा है, और यहाँ पे ऑटोमेटिक गेट भी बनाना था मुझे अपने वन ब्लॉक में। खैर यहाँ पे बाद में मैं इसे चेक कर लूँगा कैसे बनाए। और यहाँ पे यार ये लोग ना पानी पे फंसे हैं साथ से नीचे। खैर इन्हें छोड़ते हैं भाई, अपना जो घोड़ा है ना इसे कुछ खिला देते हैं भाई, भूख लगाई क्या। तो यहाँ पे ना गाइस ये जो जगह है ना बहुत ज़्यादा ओपी लगा मुझे, और भाई ग्राउंड ना क्या लग रहा है। तो वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा चेस्ट है, लेकिन चेस्ट पूरी तरह से खाली है। खैर इस वाले जगह पे क्या है, साथ ही है शुगर केन फार्म है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक शुगर केन फार्म है। साथ ही यहाँ पे पोटैटो वगैरह लगाया हुआ है, तो यहाँ पे सब्जी वगैरह। तो यहाँ पे ना मैं मैप पे दिखाता हूँ, तो यहाँ पे मैं हूँ शुगर केन फार्म। तो यहाँ पे ना गाइस मुझे जाना पड़ेगा पीछे की तरफ, वहाँ पे है आयरन गोलम, मतलब आयरन फार्म और शुगर केन फार्म बड़ा वाला। तो यहाँ पे मुझे पीछे की तरफ गेट से बाहर निकल के जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैप को हम लोग अंदर रखते हैं। बाकी ना गाइस यहाँ पे ना क्या मस्त लग रहा है। वैसे यार मैं ना सेम टू सेम ऐसे ही बनाऊंगा अपने वन ब्लॉक वर्ल्ड में, मतलब यार अपना मतलब यार सब्जी वगैरह उगाने के लिए। खैर यहाँ पे ना गाइस ये जो सब्जी वगैरह खेते हैं ना वन ब्लॉक वर्ल्ड में, मैं कुछ ऐसा ही डिजाइन करने वाला हूँ, क्योंकि यार ये ना बहुत ज्यादा ओपी लग रहा है। खैर यहाँ पे ये है शुगर केन फार्म, और गाइस ये तो नॉर्मल सा छोटा सा शुगर केन फार्म है। बड़ा वाला ना गाइस बहुत ज़्यादा है, मतलब यार बहुत ज़्यादा हो देता है साइंस से शुगर केन। तो यहाँ पे ना ये पूरी तरह से ब्लॉक किया हुआ है। खैर यहाँ पे चेस्ट चेक करता हूँ, तो भाई साहब कितना सारा शुगर केन बड़ा हुआ है। वैसे यार मुझे ना अपने यार मतलब ये मुझे भी चाहिए था कुछ बहुत शुगर केन। मैं ना यार यहाँ पे ना जो भी है ना मैं रख लेता हूँ, बाकी तो यार ऐसे भी टेक्नो को इतना सारा शुगर केन की जरूरत भी नहीं है। तो यहाँ से ना गाइस पीछे की तरफ चलकर देखते हैं, पूरी तरह से बंद है। खैर यहाँ पे यार कुछ नज़र नहीं आ रहा है मुझे, यहाँ पे अंदर नहीं जा सकते साथ से, इस साइड से भी ब्लॉक है, कोई दरवाज़ा वगैरह नहीं है। खैर गाइस अभी ना हम लोग यार यहाँ से तो बाहर जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे ना गाइस बाहर की तरफ है बड़ा वाला शुगर केन फार्म, तो वहाँ से ना काफ़ी ज़्यादा शुगर केन मिलता है साथ से। खैर यहाँ पे ना गाइस ये क्राफ्टिंग स्टेशन और भाई ये सब तो खाली है मेरे ख्याल से। ओके तो यहाँ पे हम लोग चलते हैं सीधा बाहर की तरफ, और भाई अपने हॉर्स को ले, ओ भाई छोड़ो इसे यहीं पे भी बांध देते हैं। अभी हम लोग पूरी तरह से यार चेक करते हैं बाहर से यार कैस्टल कैसा लगता है, फिर हम लोग चलेंगे अपने मॉडर्न हाउस पर। और भाई जो जो भी चीज़ें मिलेगा ना मैं यहाँ से लेकर के जाने वाला हूँ, मतलब यार थोड़ी बहुत चीज़ें लेकर के जाऊँगा। वैसे यार बहुत ज़्यादा है इसके पास, तो यार कोई दिक्कत की बात नहीं है, ले जाएंगे। वैसे यहाँ पे ना गाइस ये है ऑटोमेटिक शुगर केन फार्म, भाई बहुत ज़्यादा बड़ा है। वैसे यहाँ पे ना ये भी काफ़ी सही लग रहा है मुझे। तो अभी ना गाइस मैं नीचे जाकर देखने वाला हूँ कि यहाँ पे ना जितना कितना सारा शुगर केन भरा पड़ा है। वैसे ये भी बहुत ज़्यादा खतरनाक है। तो यहाँ से ओके तो ये रहा, तो यहाँ भाई साहब इतने सारे शुगर केन भरा पड़ा है। अगर यहाँ पे ना गाइस हम लोग कुछ बहुत ले लेते हैं, वैसे यार इतना सारा है। तो यहाँ पे मेरा जो इन्वेंटरी ना फुल हो चुका है। ओके तो गाइस अभी हम लोग चलने वाले हैं सीधा बाहर की तरफ, और भाई यहाँ पे ना है आयरन गोलम, मतलब आयरन फार्म। तो यहाँ से ना गाइस हम लोग चेक करते हैं चेस्ट में कितना सारा आयरन है। वैसे ये जो जगह है ना भाई बहुत ज़्यादा ओपी लगा मुझे, और भाई सामने की तरफ ना बहुत ज़्यादा घर वगैरह है, मतलब विलेजर्स के लिए है। तो यहाँ पे आयरन इंगट, भाई भाई साहब इतने सारे आयरन इंगट बड़ा पड़ा है। खैर यार थोड़ा बहुत मैं भी ले लेता हूँ, क्योंकि यार अभी ना आयरन मेरे पास एक भी नहीं है। तो ये सारा आयरन मैं ले करके जाऊँगा वन ब्लॉक में, अपने वन ब्लॉक वर्ल्ड में। खैर यहाँ पे ना गाइस ये सब तो ठीक है, हम लोग नीचे चलते हैं। और अभी के लिए बस इतना ही यार, यहाँ पे ना ज़्यादा कुछ तो नहीं है। खैर यहाँ पे ये आयरन फार्म तो यार बहुत ज़्यादा खतरनाक बनाया है यार, इसे बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। खैर गाइस यहाँ पे ना बाहर से यार पूरी तरह से वाल लगाया हुआ है, मतलब यार बहुत ही ऊँचा वाल है और बहुत ज़्यादा खतरनाक लगता है। खैर गाइस अभी ना मैंने लगभग सारा कुछ तो चेक कर लिया, लेकिन हम लोग यार ऊपर जाकर देखते हैं ऊपर यार डिज़ाइन कैसा है। और ऊपर के साथ से हम लोग यहाँ से चल भी सकते हैं, और यहाँ पे यार ऊपर की तरफ भी ना आयरन गोलम रखा हुआ है, मतलब यहाँ पे भी जम्बीज वगैरह आया ना भाई, तो जम्बीज वगैरह यहाँ पे भी टिकने वाला नहीं है, क्योंकि यार ऊपर भी यार पूरी तरह से आयरन गोलम यार चल रहा है। खैर यहाँ से हम लोग यार तो सब कुछ देख ही चुके हैं, बाकी यार कास्टल ना क्या लग रहा है वैसे। तो गाइस यार अभी ना हम लोग चलते हैं यहाँ से, और भाई यहाँ पे मैंने कुछ कुछ चीज़ें मतलब यार ले लिया है। खैर कोई बात, कोई दिक्कत की बात नहीं, हम लोग चलते हैं। और भाई मैं ना सोच रहा हूँ यही आसपास ही अपना कोई छोटा सा घर बनाना चाहिए। खैर अपना जो मॉडर्न हाउस है ना वहाँ पे बहुत सारा सामान है, तो वहाँ पे हम लोग चलते हैं और वहाँ से कुछ बहुत चीज़ें लेकर ही आते हैं पहले। तो गाइस अभी ना यार यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा विलेज है, और यहाँ पे ना गाइस दूर से क्या लग रहा है कैस्टल, मतलब यार पूरी तरह से खतरनाक लग रहा है। वैसे मैं अभी बहुत ज़्यादा दूर पर आ चुका हूँ। ओके तो गाइस अभी के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और कैस्टल अच्छा लगा तो यार लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।